जी, क्या आप अपने काले रंग को लेके बहुत ज्यादा परेशान हैं और बहुत ज्यादा आपके कमेंट आ रहे थे कि आपकी मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी आ चुकी है और कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें आने वाली है तो थोड़ी थोड़ी सी सर्दी हो चुकी है, तो बहुत ज्यादा आपके कमेंट आ रहे थे कि आप इस सर्दियों में हम कौन सी क्रीम यूज करें जिससे हमारा कलर फेयर हो जाए। हमारी शादी करीब है, हमें फंक्शन अटेंड करना है, तो कोई ऐसी अच्छी सी क्रीम बता दें जिसको यूज करके हम अपने कलर को फेयर कर सकें विदाउट साइड इफेक्ट। बहुत ज्यादा ही कमेंट आ रहे थे कि आप विंटर में हमें कौन सी क्रीम यूज करनी है, कोई अच्छी सी क्रीम बता दें। तो सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसी बेस्ट क्रीम जो कि आपकी स्किन के लिए इंतहा की अच्छी, इंतहा की, इससे आप गोरे चिट्टे होने वाले। अगर आपका कलर इंतहा का ब्लैक हो चुका है, इंतहा का ब्लैक हो चुका है, तो आप इस क्रीम को यूज़ करके अपने कलर को फेयर कर सकते हैं। उसके बाद जी, अगर आपके फेस पे स्याहियां हैं, पिगमेंटेशन है, या फिर आपके फेस पे पिंपल्स हैं, या फिर आपके फेस पे ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, आपने बहुत ज़्यादा ही क्रीम्स यूज़ कर ली हैं, किसी का रिजल्ट नहीं मिलाना, तो आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इस क्रीम का आप लोगों को रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो जी, आपसे मेरा वादा है कि आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। सो गाइस, चलें फिर टाइम जाए कि अगर वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सब्सक्राइब, और साथ ही बेल का आइकन आ जाएगा, आपने उस पर क्लिक करना है ताकि इसी तरह की फैशन एंड ब्यूटी टिप्स आपको हमारे चैनल से मिलते रहें। और वीडियो का लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इतनी मेहनत से मैं एक वीडियो बनाती हूँ लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते, सो प्लीज जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप वाकई में परेशान है ना कि हमारा कलर ब्लैक है तो हमने इसको कैसे गोरा करना है, तो फिर आज की इस वीडियो को ना एंड तक देखना आपने। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे ना, तो जो चीज़ें जैसे मैं बताऊंगी आपने नोट कर लेनी है, वैसे ही आपने यूज करनी है। अगर रंग गोरा ना हुआ तो फिर क्या ना, आप वाकई में दुआएं देंगे कि आप ही ने बहुत अच्छी क्रीम हमारे साथ शेयर की है, इससे हमारा वाकई में कलर फेयर हो गया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मुझे बहुत उम्मीद है कि इस क्रीम को आप यूज करके मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपने वाकई में अच्छी क्रीम बता दी है। आज की इस वीडियो में जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ना, इससे आप जितना चाहें अपने कलर को फेयर करके अगर छोड़ भी देंगे तो आपका कलर डल नहीं पड़ेगा। बस तरीकाकार आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। बाकी अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ही पुरानी स्याहियाँ हैं, ख़त्म नहीं हो रही, तो आप इसको यूज़ करके अपनी स्याहियों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती हैं विदाउट साइड इफेक्ट। अगर एक्नी है बहुत पुरानी तो आप उसको भी ख़त्म कर सकते हैं, अगर पिंपल्स हैं उसको भी ख़त्म कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, आप कर सकते हैं यार, करने से कुछ होता है, अगर आप करेंगे ना हो जाएगा, आपका कलर फेयर हो जाएगा, ऑल प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। अगर आपने वाकई में ही गोरा होना है ना, तो फिर इस वीडियो को देख लीजिएगा। गाइस, फर्स्ट मैं बात कर लेती हूँ कि इसको कौन कौन सी एज वाले यूज़ कर सकते हैं। इसको 15 से लेके चाहे आप 100 साल के हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें एज का हिसाब नहीं है। 15 ईयर से अगर कम एज है आपकी तो आप मत यूज़ करें, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप जिम्मेदार खुद होंगे, ठीक है। उसके बाद जी, अगर आपके फेस पे स्याहियां हैं, आपकी एज बहुत ज़्यादा, आप कह रहे हैं कि नहीं जाएंगी, बहुत पुरानी है तो फिर भी इससे जाने वाली हैं, तो आप तब भी इसको यूज़ कर लीजिएगा। इसको बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। तो सो गाइस, फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है। तो जी, इसको यूज़ करने के लिए फर्स्ट आपने ये करना है कि अपने फेस को आपने वॉश करना है। रात को सोने से पहले आपने अपने फेस को वॉश करना है। आपने ना तो कोई सोप लेना है, ना कोई आपने फेस वॉश यूज़ करना है, सिंपली आपने रोज़ वाटर के साथ अपने फेस को वॉश करना है। रोज़ वाटर आपकी स्किन को फ्रेश करती है, स्मूथ करती है, साइड इफेक्ट से बचाती है। तो जी, आपने रोज़ वाटर के साथ अपने फेस को वॉश कर लिया, उसके बाद आपने क्रीम अपने फेस पे लेप करके लगानी है। लेप करके ना ओवरनाइट के लिए आपने छोड़ देनी है। जब आप ओवरनाइट के लिए अपने फेस से क्रीम लगा के छोड़ देंगे तो सुबह उठ के आप कोई भी फेस वॉश या फिर सोप यूज़ कर सकते हैं। डे में करना है आपको, किसी टाइम भी, नाइट में जब आपने क्रीम लगानी है ना
तब आपको फेस वॉश नहीं करना, और सुबह को आप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने इसको यूज़ करना है। फर्स्ट डे जब आप यूज़ करेंगे तो आपने एक पिक ले लेनी है, उसके बाद आफ्टर 7 डे के बाद आप एक पिक ले लीजिएगा। दोनों पिक्स को सामने रख के वाजह फ़र्क आप खुद देख लीजिएगा। एक चीज़ आपको और बता दूँ, अगर आपकी सियाइयाँ इंतहा की हैं ना, इंतहा की बहुत ज़्यादा फुल फेस बड़ा हुआ तेज़ हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जाएंगी। अगर आपका कलर बहुत ज़्यादा ही डल है ना, बहुत ज़्यादा, आहिस्ता आहिस्ता आपका कलर फिर वाइट होगा अगर ज़्यादा ब्लैक है, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने बताया है, सेम मेरे बताए हुए तरीके से आपने यूज़ करना है। गाइस चलें फिर हम क्रीम बनाने का तरीका जान लेते हैं कि कैसे हमने बनानी है। अच्छी तरह से आपने नोट कर लेनी है, सब क्रीम्स के नेम नोट कर लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। Thank you.
आशा करती हूं आपने क्रीम बनाने का तरीका अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो जी यही चीज़ें थी जो कि हमें यूज़ करनी थी, और इन चीज़ों को यूज़ करके आप सर्दियों में जितना चाहे अपने कलर को फेयर कर सकते हैं। इसको आप नेक पे और फेस पे यूज़ कर सकते हैं, आप इसको हैंड फिट पे नहीं यूज़ कर सकते। और जी जो लास्ट में मैंने ड्रॉप्स डाले हैं उनका ये है कि इन ड्रॉप से आपकी स्किन पे कोई किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप साइड इफेक्ट से बचना चाहते हैं तो इन ड्रॉप्स को आपने ऐड करना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है जो कि आप बाय ना कर सके, आप इसको इजीली बाय करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी प्राइस 150 है, आप इसको अगर डालना चाहें डाल सकते हैं, अगर ना डालना चाहें तो कोई मसला नहीं है। तो जी ये थी हमारी आज की अमेजिंग सी वीडियो। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप जब इस क्रीम को यूज़ करेंगे ना, आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगे कि आप ही ने बहुत अच्छी ही क्रीम बता दिया। तो सो गाइस ये थी हमारी आज की छोटी सी अमेजिंग सी वीडियो। आई श्योर कि आपने मेरी वीडियो को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।